हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं सेक्शन पाइप के बारे में। अगर सेक्शन पाइप डालने के बाद भी अगर पानी आपका कम आ रहा है तो इसको रिपेयर कैसे करें और ठीक कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये मोटर है, ये मोटर चल रहा है और पानी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि ये पुराना वाला मोटर है और ये आपका इनलेट पाइप हो गया और ये आउटलेट पाइप हो गया। आप जिसे देख सकते हैं कि ये आउटलेट पाइप है और यहाँ से ये एयर छोड़ाने वाला प्लग हो गया जिसे मोटर में लगा रहता है एयर छोड़ाने के लिए। तो चलिए पहले इसमें पानी हम डालते हैं। पानी डाल के चेक करते हैं कि हमारा जो सेक्शन पाइप जो फुट वाल्व अंदर डाला हुआ है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। यानी 10 साल पुराना सेक्शन पाइप डाला हुआ है जो अब ख़राब हो चुका है, पानी नहीं दे रहा है मोटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पानी उसमें डाल रहे हैं फिर भी पानी डालते जा रहे हैं और वो पानी भागता ही चला जा रहा है। यानी हमारा फुट भाल जो अंदर में लगा हुआ है वो पानी नहीं रोक रहा है। अब यानी पाइप टूटा हुआ है या फुट चेक वाल्व ख़राब है तो पता नहीं, अभी तो हम यहाँ पे मोटर के पास ही चेक कर रहे हैं। चलिए हम आ गए हैं बोरिन के पास, जिसे कि आप देख सकते हैं बोरिन कितना ये नाले में है। देखिए आप देखिए कितना कचरा लगा हुआ है, उसी के अंदर ये बोरिन है। अब जैसे यहाँ पे पहले वाला पाइप ये लगा हुआ है, GI यूनियन लगा हुआ है और ये आपका 1.5 इंची का बोरिन हो गया, इसमें 1 इंची का सेक्शन पाइप डाला हुआ है। इसे आप देख सकते हैं GI इधर T और नेपुल लगा हुआ है, पूरा जंग खा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमको यहाँ से यूनियन को खोलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यूनियन को खोलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो आज होने वाला है, इसमें बहुत आपको जानकारी मिलेगा। तो जैसे हमने आप देख सकते हैं कि हमने यूनियन को खोल दिए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नीचे से ही हिल रहा है। हमारा जो पाइप बोरिन का है वो नीचे सॉकेट लगा हुआ है, वहीं से हिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे कचरा है, इसी में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। ये बहुत पुराना पाइप है, इसमें खोलने में भी दिक्कत हो रहा है, नहीं खुल पा रहा है। देखिए नीचे से हिल रहा है, ऊपर से नहीं खुल पा रहा है। तो हमने जहाँ से हिल रहा है वहीं से हम खोल कर बाहर निकाल लेंगे और ये पानी अंदर से निकाल रहे हैं कि अंदर बोरिंग में पानी, ये गंदा पानी अंदर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा नाला का पानी है ये। चलिए हमने यहाँ से 1.5 इंची का सॉकेट जो है वहीं से हमने खोल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1 इंची का सेक्शन पाइप है, इसको हम अप डाउन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा चेक वाल्व काम कर रहा है कि नहीं। देखिए इतना हिलाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए सेक्शन पाइप को हम बाहर खींचते हैं छत की तरफ और देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। देखिए आप देख सकते हैं चेक वाल्व आपका ख़राब है, फुट चेक वाल्व बिल्कुल ख़राब हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं क्या खराबी है इसमें। आप देख सकते हैं, देखिए जो चेक वाल्व है बिल्कुल ऊपर जाके सटा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर जाके सट गया है, तो यानी पानी उसमें डाला जा रहा था तो बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जा रहा था। यानी स्प्रिंग भी इसका टूट गया है, जो स्प्रिंग होता है वो आपका अंदर चला गया है टूट कर। चलिए छत पर हम लेके चलते हैं इसको और आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है, स्प्रिंग जो है वो टूटकर अंदर फंस गया है, तो ये पानी कभी आपका नहीं दे पाएगा। तो चलिए पहले हम इसको छत पर खींचेंगे ताकि इधर दिक्कत है बहुत काम करने में। आप देख सकते हैं कि इधर जगह नहीं है। देखिए पाइप हमने खड़ा कर दिए हैं छत पर,
ये आपका 40 फीट सेक्शन पाइप डाला हुआ है, 1 इंची का सेक्शन पाइप है। यह आप यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है लगातार, ताकि आपका जो बोरिंग है उसमें पानी अंदर नहीं चला जाए। तो बहुत पुराना है, बहुत ठोक ठाक करने के बाद ये खुलेगा। आप देख सकते हैं कि यह 40 फीट पाइप है 1 इंची का। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नए पुराने वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमने खोल लिए हैं, और ये आपका यहाँ से खोलने के बाद ये जो लॉन्ग थ्रेड नेपुल लगा हुआ है ये टूट गया है, पुराना है इसीलिए ठोकने के बाद ये टूट गया। तो चलिए हमने ये चेक वाल्व जो है इसको पहले चेक करते हैं, फिट करने के उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है। तो इसी में गड़बड़ी होता है कि नया चेक वाल्व डालने के बाद भी आपका मोटर प्रेशर नहीं देता है, तो इसमें क्या गलती है इसको बारे में आज अभी अब बताएंगे आपको। पहले इस पुराने वाले को आप देख रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है। अब देख सकते हैं कि स्प्रिंग टूट कर अंदर फंसा हुआ है, तो हम खोल कर बाहर निकाल देख रहे हैं कि अप डाउन नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें दिक्कत हुआ है। चलिए, हमने चेक वाल्व को बाहर निकाल लिए हैं। अब आपको करना क्या है कि उसका जो लॉक होता है, लॉक पहले आपको खोलना है। देखिए लॉक खोल दिए, देखिए स्प्रिंग दो टुका हो चुका है, दो भाग में हो चुका है। देखिए अंदर का वाशर अंदर भी अंदर ही रह गया। देखिए ये बिल्कुल फूट चेक वाल्व जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखिए ये नवा वाला है, इसमें कमी क्या है देख सकते हैं। देखिए ये जो हमने पेचकस से उसको जो साफ़ कर रहे हैं, इसीलिए नया में आप लगाते समय उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसी के कारण आपका पानी का प्रेशर नहीं आता है। जो होल जो आप दिख रहा है, देखिए कितना पतला होल था, तो पानी का उसमें पानी आपका जाएगा नहीं फोर्स से, तो आपका मोटर पानी कहाँ से दे पाएगा। इसको फुट वाल्व को डालते समय आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये क्लियर होल होना चाहिए। देखिए पुराना वाला आपको हम बता रहे हैं कि दो स्प्रिंग दो टुका हो चुका है इसका टूटकर, इसीलिए वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हमने नया लाए हुए हैं, और ये शारदा कंपनी का होता है, बहुत हेवी वाल्व है ये। चलिए पानी डालकर पहले चेक कर लेना है, अंदर डालने से पहले आपको चेक कर लेना है कि चेक वाल्व जो है ये सही है या ख़राब है। देखिए पानी अब रुक चुका है, यानी बिल्कुल सही है। चलिए इसको अब फिट करते हैं और बोरिंग को अंदर डालते हैं इसको। चलिए हमने बिल्कुल फिट कर दिए हैं और पाइप को नीचे लेकर आ गए हैं। अब इसमें डालने के लिए चलिए अब सेक्शन पाइप को हम अंदर धीरे धीरे डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर से उतारा जा रहा है और इस बोरिंग को अंदर डाला जा रहा है। ये हमारा 1.5 इंची का बोर हुआ है, 180 फीट है, और सेक्शन पाइप इसमें हम 40 फीट डाले हुए हैं। तो चलिए पहले अप डाउन कर इसको प्रेशर को देखते हैं कि हमारा पानी ऊपर आ रहा है कि नहीं, पानी का लेयर हमारा है कि नहीं यहाँ तो सही। ये बिल्कुल पानी आ गया प्रेशर में, अब दाब कर इसको प्रेशर चेक करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितना प्रेशर में पानी आ रहा है। चलिए इसको अब फिट करते हैं और आपको इसमें बताएंगे। एक ही मोटर है, इसमें 3 टंकी उस पर लगा हुआ है, और एक ही मोटर से आपको तीनों टंकी में पानी एक बराबर जाता है। ऊपर आपको बताएंगे चलकर कि कैसे पानी बराबर जाता है, एक ही मोटर से आपका 3 टंकी में पानी कैसे जाता है। आपको यहाँ से पहले अच्छी तरह से टाइट कर लेना है।
देख सकते हैं कि फिर में कितना पानी भर चुका है, बताइए काम करने में कितना परेशानी होता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे टाइट हो गया, मोटर के पास चलते हैं। तो अब वहाँ आ गए हैं, यहाँ पे मोटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर है और ये जो एयर छोड़ाने के लिए जो प्लग खोले हुए हैं, इसमें पे आपको टेप्लॉन टेप लगा लेना है। चलिए चलिए अब पानी डालते हैं इसमें, यहीं से एयर्स को छुड़ाया जाएगा। अभी हमने पानी डाल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, भर गया। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम हाथ से ही दाबकर स्टार्ट करेंगे, पानी जब उठा लेगा उसके बाद हम प्लग को कसेंगे। चलिए हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा पानी को उठाने में। तो आप देख सकते हैं मोटर का आवाज़ भी चेंज हो गया और मोटर पानी हमारा बिल्कुल उठा चुका है। आप देख सकते हैं मोटर पानी उठा लिया है। चलिए मोटर को अब बंद करते हैं और प्लग को कसते हैं। तो आप देख सकते हैं चलिए अब प्लग को कसते हैं इस पर और टंकी के पास चलकर आपको बताते हैं कि इसका प्रेशर कितना दे रहा है। अच्छे से टाइट कर देना है, देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया। अब चलिए मोटर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा बिल्कुल टाइट हो गया और मोटर भी हमारा चालू हो चुका है। अब चलिए टंकी के पास, अब जिसे हम लोग आ गए हैं टंकी के पास, ये आपका 4 मंजिल है, 4 मंजिल, 4 मंजिल के ऊपर टंकी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सिंटेक्स का है, यहाँ पे देखिए 3 टंकी लगा हुआ है। ये आपको पानी गिर रहा है फर्स्ट वाले टंकी में और ये देखिए एक बीच वाले टंकी है। आप देख सकते हैं कि 3 वो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 1.25 इंची का पाइप आया हुआ है, 3x4 का पाइप है और देखिए एक ही मोटर से तीनों टंकी में पानी जाता है। चलिए इसमें आपको खोल कर दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना प्रेशर से पानी आ रहा है इसमें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।